बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल शायान मैथमेटिक्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 9 प्रॉब्लम नंबर 9.7 स्टार्ट किए हैं, जो कि बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। यहाँ पे मैं स्टेटमेंट रीड आउट कर रही हूँ, ठीक है। सोडियम लाइट वेव लेंथ इज इक्वल टू 589 नैनोमीटर इज इंसीडेंट ऑन अ ग्रेटिंग 300 लाइन सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन विद द ग्रेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने गिवन डेटा लिखना है। गिवन डेटा में क्या क्या चीज़ें आएंगी वो मैं आपको ऐड बताऊँगी। गिवन डेटा यहाँ पे मैंने लिख लिया। सबसे पहले हमने गिवन डेटा में वेव लेंथ तो ऐड करनी है, ठीक है। वेव लेंथ हमारे पास है 589 नैनोमीटर, ठीक है। वेव लेंथ 589 नैनोमीटर, तो यहाँ पे नैनो को हमने कैसे लिखना है, 589 मल्टीप्लाई बाई 10^-9 मीटर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है हमारा। एंड नेक्स्ट देखिए, मैं आप उनको समझाऊँगी। यहाँ पे वेव लेंथ तो हमने राइट कर लिया। एंड कैपिटल एन हमारे पास है 3000, ठीक है। 3000 लाइन स्पेक्ट्रम सेंटीमीटर है, इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर में हमने इन मतलब दो मतलब ज़ीरो को बढ़ा देना है, तो यहाँ पे 3 हमारे पास ज़ीरो पहले से है, तो यहाँ ये हमारे पास क्या बनेगा, आई थिंक 30 लाग। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ तक तो क्लियर कर लिया है। एंड स्मॉल एन हमारे पास चीज़ इक्वल है, स्मॉल एन हमने फाइंड आउट करना है। और एंगल हमारे पास 90 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम हमारे पास 90 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम हमने एन स्मॉल एन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। एज इट इज़ फार्मूला वही अप्लाई करेंगे। फार्मूला हमारे पास है डी साइन एंगल इज इक्वल टू स्मॉल एन एंड लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्लियर है। वी नो दैट स्मॉल डी इज़ इक्वल टू 1/N, ठीक है। जहाँ पर डी है वहाँ पर हमने क्या ऐड कर देना है, 1/N। तो यहाँ पर मैं राइट कर रही हूँ, स्मॉल एन को मैंने साइड पर ले लेना है, एन इज इक्वल टू, ठीक है, साइन एंगल ओवर डिवाइडिंग बाय हमारे पास कैपिटल एन एंड हमारे पास आया वेव लेंथ, ठीक है। जस्ट हमें यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देनी है, एन इज इक्वल टू साइन 90 एंड डिवाइडिंग बाई, ये हमारे पास क्या था, कैपिटल एन की वैल्यूज एंड मल्टीप्लाई बाय वेव लेंथ की वैल्यूज़, 589 मल्टीप्लाई बाय 10^-9, ठीक है। ये पूरी लाइन में यहाँ तक ड्रॉ मैंने कर दी है यहाँ तक, ठीक है, ये हो चुका है यहाँ तक। इसको डिवाइड करना है मैंने इस पर, साइन 90 हमारे पास इक्वल होता है 1 के 1 डिवाइडिंग बाय 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 589 10^-9। इसको मेरा डिवाइड जब इस पर करना है तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, स्मॉल एन इज इक्वल टू, ठीक है, स्मॉल एन इज इक्वल टू 5.659, ठीक है। तो हमने एन इज इक्वल टू 5.66 कर लेना है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, एन इज इक्वल टू 5th पार्ट्स, ये हमारे पास नंबर्स की तादाद है ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।